मूवी की शुरुआत में एक छोटी दाढ़ी रखा हुआ एक आदमी ऐसे तैयार होकर बैठा है जैसे कहीं ट्रिप में जा रहा हो। एक बड़े बैकपैक के साथ सिगरेट फूंक रहा है। ऐसा लगता है जैसे 10 बजे की बस के लिए तैयार होकर 7 बजे ही वहां पहुंच गया है और बिल्कुल हलचल किए घर की चौखट पर बैठा है और घर का दरवाजा भी खुला है। उसके बाजू में और एक बैकपैक और एक बेसबॉल बैट भी है जो चौखट पर है। थोड़ी देर में भागो भागो करके अंदर से एक आदमी चिल्लाते हुए बाहर आता है और अपनी पिस्तौल से घर के अंदर गोली चलाना शुरू करता है। रिलैक्स से बैठा हुआ ये छोटी दाढ़ी वाला जिसका नाम मिकी है वो इसकी आवाज सुनते ही फौरन भागने लगता है। अंदर से बाहर आने वाला ही हीरो है, इसका नाम बेन है। वो मिकी के बाजू में रखे हुए बैकपैक बैट सब कर उठाकर उस तरफ भागता है जहां मिकी भाग रहा होता है। वहां से कट करके टाइटल डाल के पिक्चर स्टार्ट होती है। ज़ॉम्बी की वजह से इंसानों के बगैर खाली भी इस दुनिया में सिर्फ दो लोग ही घूम रहे हैं, ये उन्हीं की कहानी है। हमारे बैन को अपनी शक्ल और सूरत की परवाह ही नहीं है, वो तो सिर्फ लंबे बाल रखने वाला और चेहरे पर बड़ी दाढ़ी रखने वाला जैसे आदिवासी नहीं होते ऐसा आदमी है। और हाथ में एक बेसबॉल बैट रखे किसी भी बात की फिक्र के बिना जहां उसके पैर ले चले वहीं जाने वाला आदमी है। और साथ ही में रहने वाला मिक्की वैसा नहीं है, मिक्की तो बिल्कुल ही अलग किस्म का है। कान में वॉकमैन लगाने वाला, जरूरत की बैटरी को साथ लेकर चलने वाला, हर समय साफ सुथरी ड्रेस पहनने वाला और लड़कियों को ढूंढने वाला आदमी है। ये दोनों लोग उस शहर में एक एक करके घर में जाते हैं। किसी भी घर में कोई नहीं होता, घर के अंदर कोई ज़ॉम्बी दिखे तो उसको जान से मार डालने वाला बेन ही है। मिक्की को तो अगर बंदूक देकर एक बंदे में ज़ॉम्बी को मारने के लिए भी बोल दे तो वो भी बेचारा नहीं करेगा। सिर्फ ये दोनों ही उस शहर में हैं, घरों के अंदर जाते हैं और जरूरत की चीजें निकालते हैं, बीच सड़क पर आराम से रेस्ट करते हैं, नदी के किनारे पत्थर फेंक कर खेलते हैं और बिना वजह सारा शहर घूम लेते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं और ऐसा ही चलता रहता है। उस शहर के बगल वाले जंगल में भी जाते हैं, वहाँ पर बेसबॉल खेलते हैं, मछली पकड़ते हुए घूम रहे हैं। ऐसे घूमते वक्त एक बड़ी सी कार को देखते हैं। फौरन बेन हाथ में पिस्टल लेकर उस कार के नजदीक जाकर देखता है, वहाँ ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ होता है, वो एक ज़ॉम्बी होती है, बहुत दिनों से बाहर नहीं निकली होती। ज़ॉम्बी धीरे धीरे उठकर बेन की तरफ आती है। इस पिक्चर में आने वाले ज़ॉम्बी स्पीड के आने के बजाय नॉर्मल मरने वाली लाश जो धीरे धीरे आती है ऐसे दिखाया गया है, पर अगर ये सारे ज़ॉम्बी घेरा डाल दें तो एक ही सेकंड में काट कर वायरस को फैला देते हैं। उसी तरह बेन के पास वो ज़ॉम्बी आती है, उसके सर पर गोली चलाकर उसे मारकर उस कार के अंदर जाकर उसे स्टार्ट करके देखता है और वो स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर तो बेन और मिकी बहुत खुश हो जाते हैं, बेचारे इतने दिनों से चल रहे थे अब कार मिल गई तो पूरा शहर घूमने लगते हैं। कार की छत पर एक दरवाजा भी है, उसे मिकी बेन को दिखाता है। कार में एफएम डालकर देखते हैं पर वो काम नहीं कर रहा होता है। ऐसे ही बात करते वक्त मिकी उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाने के लिए पूछता है, फिर कार लेकर उस लड़की के घर जाते हैं। वो लड़की कब की मर चुकी है। वहां जाते ही मिकी फौरन उस लड़की के कमरे में जाकर बैठ जाता है, उसके साथ बिताए हुए बातों को याद करता है और फिर ड्रॉर खोलता है। ड्रॉर खोलकर वो जो गाने सुनते थी वो सीडी को देखता है और उसे उठाकर अपने वॉकमैन में डालकर गाने सुनने लगता है। तभी दूसरे ड्रॉर में चेक करता है जिसमें उसके कपड़े और परफ्यूम है, वो उसको उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है। उसकी फोटोज आईने में लगी हुई है, वो उन्हें निकाल कर रख लेता है। उसी वक्त बेन उस घर में सरवाइव होने के लिए कुछ मिलेगा क्या सोचकर सारे घर में ढूंढता है। तभी उसको वहाँ पर दो वॉकी टॉकी मिलते हैं, उसी के साथ चेयर पेट्रोल कैन उठाकर रख लेता है। उसके बाद जितना हो सके उस घर पर छान मारते हैं। उन लोगों को बहुत दिनों बाद टूथपेस्ट मिलता है जिससे वो ब्रश करते हैं। उसके बाद बेन अपनी लाई हुई कार के अंदर की सीट को देखता है, तभी उसको पता चलता है कि पीछे वाली सीट को मोड़ने से एक आदमी के लेटने की जगह हो जाएगी। वो मिकी को दिखाता है और कहता है कि अपने गर्लफ्रेंड के घर से चादर और पिलोज लेकर आ जाओ, इस कार में दो लोगों के रहने की जगह है, हम इसी में रहेंगे। ऐसे ही दोनों उस जगह को बेड की तरह रेडी करके उसको रख लेते हैं। उसके बाद उसी घर में वो दोनों थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। तभी वो मिकी उसी घर में रुकने की सोचता है, उसको समझाकर बेन कहता है कि तुम जो चाहते हो वो नहीं होने वाला, अगर यहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे, 3 महीने हम एक ही घर में फंसकर बाहर नहीं निकल पाए थे, तुम्हें याद नहीं है क्या, जो कुत्ते का खाना था वो सब हमने खाया, एक समय उस कुत्ते को ही पकाकर खा गए थे। ज़ॉम्बी को हमें घेरने नहीं देना चाहिए, अगर वो लोग घेरा डाल देते हैं तो बस समझो हो गया काम, तुम्हारी माँ और भाई के मरने की वजह यही थी, वो एक ही जगह रहते थे। शार्क मछलियाँ समंदर में एक ही जगह नहीं रहती, इसलिए उस नस्ल की मछलियाँ अभी भी जिंदा है, हमें भी शार्क मछली की तरह जीना होगा। ये सब सुनने के बाद वो मिकी फिर भी पूछता है कि क्या हम यहाँ रह सकते हैं। तभी बेन बहुत गुस्सा होकर चिल्लाता है, फिर से कार जंगल लेकर चले जाते हैं। फिर खाना पकाना, शहर चलकर घूमना, ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन मिकी अपनी गर्लफ्रेंड के घर से जो उसने वॉकी टॉकी उठाया था उसमें बैटरी डालकर चेक करते हैं। फिर दोनों उसको चेक करने लगते हैं कि कितनी दूर तक वॉकी टॉकी चलेगा। तभी एक दूसरी फ्रीक्वेंसी से इन्हें किसी तरह की बात करते हुए लोगों की आवाज आती है। कोई दो लोग आपस में बात करते हुए सुनाई देते हैं और एनी करके एक लड़की के साथ कोई दूसरा आदमी बात कर रहा है।
इसमें बात की जा रही होती है कि बर्थडे कैसे मनाएंगे और कौन सी मूवी इस हफ्ते देखेंगे। ये सब सुनकर मिकी उनसे बात करने की कोशिश करता है। अगर कोई है तो मुझसे बात करो करके कहता है। तभी वो उस लड़की से बात करता हुआ आदमी कहता है, तुम कौन हो? फिर मिकी कहता है कि हम दो लोग हैं, मेरा नाम मिकी है और उसका नाम बैन है। हम दोनों बेसबॉल प्लेयर हैं और बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं। एक कार को हमने खोज निकाला है और बहुत खुशी से बता रहे होते हैं। पर वॉकी टॉकी में बात करने वाला इनकी बातों की बिना परवाह किए फिर से वॉकी टॉकी में बात करने से मना कर देता है। मिकी ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है, कहता है हमारी मदद करने के लिए आसपास कोई नहीं है, हम लोग अच्छा काम करने वाले हैं, मछली पकड़ते हैं, खाना बनाते हैं, हमारे लिए रहने की जगह नहीं है, घर की छत पर और कार के अंदर गुजारा करते हैं, हमें भी अपने साथ ले लो, ऐसे विनती करता है। पर वो आदमी कहता है कि इस सब के लिए यहाँ पर आदमी है, ऑलरेडी यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है तो तुम्हारे लिए जगह कैसे करूं? फिर कहता है कि इसमें बात करने की कोशिश मत करो, इधर से चले जाओ। फिर वो लाइन में बात कर रही लड़की से भी कहता है कि मिकी से बात मत करो वरना रूल्स के मुताबिक तुम्हें क्या करूंगा तुम्हें बिल्कुल पता है, उसे धमकाता है। वो लड़की भी कहती है कि अब से बात नहीं करूंगी। मिकी ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बैन से पूछता है कि क्या करें। तभी बैन सिगरेट पीते हुए कैजुअली कहता है कि मुझे क्या पता। बैन को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं होती, खाना मिलता है, रहने के लिए कार है और जब भी कुछ चाहिए तो किसी घर में घुस लेते हैं। इस ज़ॉम्बी की दुनिया में अपने आप को ढाल लेता है और बिल्कुल जॉली से रहता है। तभी वो मिकी गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें पता नहीं मुझे एक महीना हो गया है मैंने नए लोगों को नहीं देखा, वहाँ सब मिलकर रह रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और हम यहाँ ऐसे जी रहे हैं, ये जिंदगी है क्या? फिर वो बैन को कहता है तुम देखने में इंसानों की तरह दिखते हो क्या, कोई आदिवासी जैसे लगते हो, सुबह जिंदा होंगे या नहीं इसका भी कुछ पता नहीं, ऐसे तड़प तड़प कर जीना भी क्या जिंदगी है। ये सारी बातें वो बैन को बोलता है, फिर कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। बैन भी कहता है ठीक है अगर तुम्हें उन्हीं को ढूंढना है तो ढूंढो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ऐसा सब कुछ हमारे साथ नहीं होगा, पर फिर भी एक गेम के लिए पूछता हूँ, ऐसी हालत में अगर आप फंस जाएं तो आप किसकी तरह जीना पसंद करोगे, बैन की तरह या मिकी की तरह, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दो तीन दिनों के बाद भी मिकी उस वॉकी टॉकी को छोड़े बगैर एनी बात करो करके उसमें चिल्लाता रहता है। बैन कैजुअली खाते हुए कहता है कि तुम इतने दिनों से उसमें बात कर रहे हो, उन्हें तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है, इस आस को छोड़ दो। मिकी गुस्सा होकर थोड़ी दूर जाकर एनी करके फिर से चिल्लाता है। बैन फौरन ये कहता है कि क्यों, उस लाइन में तो इतने लोग बात कर रहे थे, तुम उनसे भी बात कर सकते हो, तुम तो सिर्फ उस लड़की से एनी करके चिल्ला रहे हो, क्यों इतने घटिया काम कर रहे हो, तुम तो उस लड़की को किसी मूवी में आने वाली लड़की की तरह समझ रहे हो, मुझे तो लगता है कि वो लड़की 45 साल की होगी। पर वो मिकी उस बात को छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि उस वक्त उस आदमी ने कहा था कि वहाँ रहने की जगह नहीं है तो कोई लॉन्ज या होटल ऐसी जगह ही रुके होंगे, इसीलिए सारे लॉन्ज और होटल को चेक करते हैं। वहाँ जाकर एक एक रूम खोल कर देखते हैं। बैन जॉली से कार में बैठा हुआ है, मिकी एक रूम को खोलता है तो उसके अंदर से दो ज़ॉम्बी आते हैं। फौरन बैन कार से निकलकर मिकी को कार में बैठने के लिए कहता है और अपनी बेसबॉल और बैट लेकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसा ही होगा लेकिन तुमने सुना नहीं। मिकी पर चिल्लाते हुए वो उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है। तभी वो मिकी चिल्लाता है कि उनको मारो और जल्दी से कार के अंदर आ जाओ। बैन उतने में गुस्सा होकर कहता है कि क्यों तुम बुजदिल हो क्या, मैं ही क्यों मारूं, तुम आकर नहीं मार सकते। फिर बैन कहता है कि ऐसे ही एक ज़ॉम्बी ने तुम्हारी माँ को मारा है, ऐसे ही एक ज़ॉम्बी ने तुम्हारे भाई को खा लिया, ऐसा कहते हुए बैन चिल्लाता है। दोनों ज़ॉम्बी नजदीक आ गए हैं तो भी बैन इस बात की परवाह किए बगैर उन ज़ॉम्बी को लेफ्ट हैंड से डील कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उन ज़ॉम्बी को जान से मारकर उस जगह से कार लेकर निकलते हैं। दूसरे दिन की सुबह मिकी कार में सो रहा होता है, तभी बैन बाजू वाले झरने में जॉली से आराम से नहा रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी लड़की धीरे से उस कार के पास आ जाती है। उस कार का दरवाजा हाथ अंदर जाने तक खुला है, उससे हाथ अंदर डालकर मिकी को पकड़ने की कोशिश करती है। अचानक मिकी जाकर होशियार हो जाता है और ज़ॉम्बी का हाथ न लगे इसीलिए उस दरवाजे से हटकर बैठ जाता है, लेकिन बैन मछली पकड़ने के लिए जा रहा होता है। फौरन वो वॉकी टॉकी निकाल कर बैन को बुलाने लगता है। तभी उस ज़ॉम्बी लड़की को देखकर इसका दिल बदल जाता है, क्योंकि इसने बहुत दिनों से लड़कियों को नहीं देखा होता और इसका दिल बहुत बेचैन हो जाता है, इसीलिए आई भी ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी नहीं एक लड़की समझकर मुंह खोलकर देख रहा होता है। तभी सडनली उस ज़ॉम्बी का सर फट जाता है और वो मिकी एकदम से शॉक हो जाता है, हमारे बैन ने ही उस पर गोली चलाई होती है। बैन कार के अंदर से इसको झांक कर देखकर बहुत जोर से हंसने लगता है। फिर वहां से निकलकर वहां के नजदीक की जगहों पर जाते हैं, फिर एक स्कूल में जाते हैं, हमेशा की तरह वहां पर भी कोई नहीं। फिर बगल में एक घर में जाते हैं, वो घर भी खाली है। मिकी को लगता है कि हमें भी ऐसे ही एक घर में रहना चाहिए, नॉर्मल इंसानों की तरह जीने की ख्वाहिश हो जाती है। वो बैन के पास आकर कहता है कि जो भी हो जाए आज रात तो हम यहीं रुकने वाले हैं। फिर बैन कहता है कि ठीक है आज हम यहीं रुक लेते हैं। फौरन मिकी अपने लिए एक रूम तैयार कर रहा होता है, वॉकमैन को ढूंढता है पर वो गायब है, तो बैन के पास जाकर पूछता है।
वहाँ पर देखे तो बैन वॉकमैन में गाना सुन रहा होता है। फिर वो मिकी से कहता है कि तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, इसलिए आज रात मुझे गाने सुनने के लिए ये दे दो। तो मिकी कहता है कि ये घर सुरक्षित नहीं है और हम इसमें आज सोने वाले हैं, इसलिए आज रात को तुम्हें बहुत ही होशियारी से रहना पड़ेगा। एक गिलहरी भी अगर आवाज करे तो उसके चिल्लाने की आवाज भी तुम्हें सुनाई देनी चाहिए, इसलिए इस वॉकमैन को मत यूज करो। तभी बैन कहता है कि इतने दिनों से मेरे साथ बिना फिक्र के गाने सुन रहे थे, कुछ हुआ क्या? आज सिर्फ एक रात मैं ऐसा रहना चाहता हूँ। फिर मिकी कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। उस रात को सोने से पहले मिकी रूम के अंदर जाकर फिर से वॉकी टॉकी उठाकर एनी तुम हो क्या, प्लीज मुझसे बात करो करके कहता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हारे पास बात करती हूँ तो इनको पता चल जाएगा तो वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, प्लीज मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। और यहाँ हमारा बैन वॉकमैन में गाने डालकर डांस करते हुए सुन रहा होता है, लेकिन हाथों में उसकी पिस्तल होती है और सवेरे सवेरे शराब पीकर बिगड़ सोए रहता है। सुबह मिकी के रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर वो सो रहा है। फिर वो घर के बाहर चलने लगता है, तभी बैन एक जोम्बी को देखता है जो एक पेड़ पर बंधा हुआ रहता है, किसी जू में बंदर की तरह देखने की तरह उसको देखता है। बैन कैजुअली उसके बाजू में जाकर सिगरेट पीता है। सिगरेट पीते हुए वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो जोम्बी को खोलकर उसे खींचते हुए मिकी के रूम में धक्का देकर बाजू में बैठकर दरवाजा बंद कर देता है और जोम्बी आ गया करके चिल्लाता है। मिकी डर कर दरवाजा खोलने के लिए कहता है, बैन तो खोलता ही नहीं और उल्टा हंस रहा होता है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोलकर देखता है, मिकी के बदन पर पूरा खून लगा हुआ है और बगल में वो जोम्बी मरा हुआ है। तो बैन कहता है, अरे वाह तुमने तो जोम्बी को मार दिया, और हंसता है। पहले से ही गुस्से में मिकी बैन पर और बहुत हैवानियत से मारता है और उसके चेहरे पर खून आने तक मारकर वहां से निकल जाता है। बैन भी उसके पीछे पीछे जाता है। मिकी थोड़ी दूर जाते ही रोने लगता है। कल रात मैंने उस लड़की से बात की करके कहता है, पर उसने मुझसे कहा कि मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, और छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है। तो बैन कहता है कि छोड़ो ये सब भी कोई बात है क्या, फिर उसको वहाँ से ले जाता है। फिर वो वैसे ही रहते हैं जैसे पहले रह रहे थे, वैसे ही बेसबॉल खेलना, खाना ढूंढ कर खाना, अपनी पूरी जिंदगी जीने लगते हैं। दोनों बगल के एप्पल के बाग में जाते हैं, जितना हो सके खाते हैं, एप्पल को गेंद की तरह फेंक कर खेलते हैं। अब वो पहले की तरह बिना किसी बात की परवाह किए बगैर दिल खोल कर यहाँ वहाँ जाते हैं। तभी एक मेन रोड पर जाते वक्त सामने एक कार खड़ी हुई है। दोनों उस गाड़ी से पेट्रोल निकालने के लिए कार और ट्यूब उठाकर उस कार के पेट्रोल टैंक के पास जाकर पेट्रोल टैंक को खोलते हैं। तभी वो मिकी कहता है कि गाड़ी बहुत गर्म है। वो समझ जाते हैं कि कोई न कोई तो अभी इस गाड़ी को रोक कर गया है। कोई है करके बैन चिल्लाकर देखता है, पर कोई नहीं है। ठीक है अभी पेट्रोल टैंक चेक करते हैं, पर उसमें पेट्रोल ही नहीं होता। तभी एक आदमी मिकी के गले में चाकू रख देता है। डर कर बैन अपनी पॉकेट से पिस्टल निकालता है। तभी चाकू रखा हुआ आदमी कहता है कि अपनी कार की चाबी मुझे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फौरन बैन कहता है कि हम बात कर सकते हैं, हम सब अगर मिलकर रहेंगे तो ही सरवाइव हो सकते हैं। इस बात पर वो आदमी कहता है कि उन लोगों ने भी मुझसे यही कहा था, पर मुझसे नौकर से भी बदतर काम कराया और मुझसे ऐसा सलूक किया जैसे मैं एक घटिया आदमी हूँ। अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। इज्जत के साथ पिस्तौल नीचे रख दो और चाबी फेंक दो, वरना मैं इसको खत्म कर दूंगा। बैन कहता है कि ठीक है पिस्तौल नीचे रख देता हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि ठीक है कार की चाबी दे दो। तो बैन कहता है कि कार की चाबी कार के अंदर ही है। फिर चाकू रखा हुआ आदमी मिकी को धक्का लगाकर जल्दी जल्दी कार के अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो आखिर अंदर चाबी होती नहीं है, वो चाबी तो बैन के पास होती है। और गुस्सा होकर बैन को गालियां देते हुए कार से निकलकर भागने लगता है। बैन भी पीछे जाकर उसको शूट करके उसको जान से मार देता है। फिर मिकी कहता है कि क्यों तुमने उसे मार दिया, वो तो इंसान था। फिर वो कहता है कि इंसान ही है पर बहुत ही डेंजरस आदमी है, तुम्हें पता नहीं है क्या, वो हमारी कार को चुरा रहा था और उसने तुम्हें मारने की कोशिश भी की, मैंने तो उल्टा तुम्हारी जान बचाई है, अभी भी तुम्हारे लिए वो जरूरी है क्या। ये लोग आपस में ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी रोड के पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आता है। तो दोनों बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं। बैन पिस्टल को निकाल कर ट्रक की तरफ कर देता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो। वो कहते हैं कि हम भी तुम लोगों की तरह ज़ॉम्बी से बचे हुए लोग हैं। दोस्त की तरह करके एक लड़की की आवाज़ ट्रक से सुनाई देती है। ट्रक से एक लड़की और हाथ में बड़ी सी गन लेकर एक आदमी उतरता है। पेट्रोल खाली होने की वजह से रुकी भी उस कार को वो लड़की घूर कर देखती है। इस गाड़ी को चलाने वाले को आपने देखा है क्या और वो कहाँ है, पूछती है। फिर बैन कहता है कि उसने थोड़ी प्रॉब्लम की थी इसलिए उसको मार दिया। फिर वो पूछती है कि मरने के पहले उसने कुछ कहा था क्या। इस बात के लिए बैन कहता है कि घर जाने के लिए उसने हमारी गाड़ी छीनने की कोशिश की थी और तो कुछ नहीं कहा। उसके लिए वो लड़की कहती है कि ये कार कहाँ से उठाई, उसने कुछ कहा क्या। वो लोग अपने बारे में बिना कुछ बताए बैन और मिकी से बहुत ध्यान से सवाल करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता ये कंफर्म कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि ये तो हमारी कार थी और हमारे से ही वो चुरा के लेके आया है। बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने हमारी कार को बचा लिया,
फिर जो आदमी उसके साथ आता है उसको ट्रक से पेट्रोल लाने के लिए कहती है और कार में डालने के लिए कहती है। वो आदमी भी लाकर डालता है। ठीक है आप लोग अपने रास्ते जाइए हम भी निकलते हैं करके कहती है। वो उस कार को लेकर निकलने लगती है। तभी वो मिकी उस लड़की के पास जाकर कहता है कि आपका नाम एनी है क्या। एक मिनट के लिए साइलेंट हुई वो लड़की तुम क्या पूछ रहे हो करके संभालती है। ज़ॉम्बी लड़की को देखकर मचलने वाला मिकी सच्ची में एक लड़की को देखकर चुप थोड़ी ना रहने वाला था। तुम ही एनी हो ना करके पूछता है। फिर बात करने लगता है कि मैं आपसे बहुत बार वॉकी टॉकी में बात कर चुका हूँ। तभी अचानक अच्छे से बात कर रही एनी अचानक पिस्टल निकाल कर बैन के पैर पर शूट कर देती है। पीछे खड़ा हुआ आदमी भी बड़ी सी गन निकाल कर बैन को निशाना बनाता है। एनी कार से उतरकर मिकी के पास कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और पिस्टल दिखाकर कार की चाबी मांगती है और उस कार की चाबी को वहाँ खेत में फेंक देती है और कहती है कि हमारे जाने के बाद ढूंढ लेना उस चाबी को और कार को लेकर निकल जाती है। वो दूसरा आदमी भी ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। सबके जाने के बाद मिकी चाबी ढूंढने के लिए खेत में चला जाता है। थोड़ा थोड़ा करके अंधेरा हो रहा है पर चाबी बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती। बैन अपने पैर पर कपड़ा बांधकर बैठा है। फिर वो सोचते हैं कि रात होने वाली है इसलिए चाबी को कल ही ढूंढेंगे। दोनों कार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। रात को अच्छे से सोते वक्त कुछ आवाजें आती है। आवाज को सुनकर दोनों उठ जाते हैं। कार के अंदर से कार की लाइट डालकर रोड पर देखते हैं तो रोड पर बहुत सारे ज़ॉम्बी धीरे धीरे चलकर इनकी कार की तरफ आ रहे हैं। फौरन मिकी घबरा कर कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं पर कार की चाबी तो होती नहीं। कार की चाबी तो खेत में है। फिर बैन कहता है कि मेरे पैर पर तो चोट लगी हुई है मैं भागूं भी कैसे। बैन उसको कहता है कि सिर्फ तुम बचकर निकल सकते हो मिकी तुम यहाँ से चले जाओ। तो मिकी कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा और कार में वापस आ जाता है। फिर मिकी कहता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी हमको घेर चुके हैं इस वक्त कार में रहना ही सेफ होगा। सुबह आँख खुलकर देखते हैं तो कार के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी इन दोनों को देखते हुए कार के शीशे पर रगड़ रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि कार से कैसे निकले। एक तो बैन के पैर पर चोट लगी और दूसरा कार की चाबी भी नहीं है। अब बैन और मिकी बिल्कुल कार के अंदर फंस चुके हैं। बैन फिर मिकी पर चिल्लाता है तुमने उसको एनी करके परेशान किया इस वजह से आज मेरा पैर टूटा हुआ है और कार की चाबी भी नहीं है। हम लोग ज़ॉम्बी के पास फंस चुके हैं ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। फिर मिकी कहता है कि क्या कार को दो वायर से कनेक्ट करके स्टार्ट नहीं कर सकते जैसे कि फिल्मों में होता है। तो बैन कहता है कि वो सब फिल्मों में ही होता है अगर वायर को खींच के कुछ हो गया तो बाद में कार की चाबी भी मिल गई तो कार स्टार्ट नहीं हो पाएगी। कार में रखा हुआ पानी लेकर कितने दिन जिंदा रह सकते हैं एक आदमी कितना पानी पिएगा करके सोचते हैं। इनके पास रखे हुए मछली के खाने का रस और गोश्त को पीते हैं। ये ज़ॉम्बी कार के बाहर से देख रहे होते हैं तो मिकी को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता और बहुत परेशान होकर कार के अंदर से आईने में सारे कंबल और बेडशीट लेकर बंद कर देता है ताकि वो देख ना पाए। अंदर रखे हुए शराब और सिगरेट को लेकर पीते हुए बाहर क्या चल रहा है उसकी बिना परवाह किए अंदर मजे से रहते हैं। फिर ताश के पत्ते खेलकर गाना गाकर एंजॉय करते हैं। फिर दोनों बात कर रहे होते हैं कि इसके अंदर और कितनी देर रह सकते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब कार की चाबी तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। बैन मिकी को एनकरेज करते हुए कहता है कि तुम जाओ और चाबी को जरूर ढूंढो तुम जरूर लेके आओगे। मिकी उस कार के रूफ के जरिए बाहर निकलने के लिए प्लान करता है। अगर बाहर जाकर चाबी नहीं मिली तो ऐसे ही भाग जाना यहाँ वापस मत आना ज़ॉम्बी के पास फंस जाओगे करके बैन कहता है। ये सुनकर मिकी कहता है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है इसलिए मैं जरूर वापस आऊंगा। रूफ का दरवाजा खोलकर मिकी वहां से बाहर निकल जाता है चाबी को ढूंढने के लिए और बैन दरवाजा बंद करके कार के अंदर वेट करता है। वक्त गुजरता चला जाता है। बैन पहली बार तनहाई महसूस करता है। काफी टाइम हो जाता है लेकिन मिकी वापस ही नहीं आता। बैन सोचता है लगता है अभी भी चाबी ढूंढ रहा होगा। वो टाइम पास कर रहा होता है बाजू में रखी हुई बॉल को लेकर दरवाजे में मारकर खुद ही कैच कर रहा होता है। मिकी के आने तक किसी भी तरह वक्त गुजारने के लिए सोचता है पर उससे कुछ भी नहीं हो पाता। फिर सिगरेट पीना शुरू करता है और सोचता है कहीं वो मुझे बाहर से बुला तो नहीं रहा। फिर वो कान लगाकर सुनता है कि बाहर से कुछ आवाज तो नहीं आ रही। मिकी आजा करके दिल में उसके नाम को पुकारता है और मिकी के वापस आने की प्रार्थना करता है। बहुत देर होकर भी मिकी वापस नहीं आता। बैन पागलों की तरह सोचने लगता है कि जो साथ में था उसको भी खो दिया बाहर वो जिंदा है या नहीं। फिर चिल्ला के कहता है कि मिकी आ जाओ। बैन को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। बैन अपने आप रोने लगता है। तभी अचानक बैनी बैनी करके मिकी की आवाज सुनाई देती है। फांसी की सजा से बचने वाले कैदी की तरह बहुत खुश होता है। फौरन कार के ऊपर का दरवाजा खोलकर मिकी को अंदर बुला लेता है। उसके अंदर आने के बाद तो बैन इतना खुश हो जाता है कि पूछो ही मत। पर मिकी बहुत ही घबराया हुआ है। बैन पूछता है कि क्या हुआ है चाबी उठा ली है ना। मिकी कुछ और सोचते हुए अपने हाथ को दिखाता है। बैन भी उसके हाथ को देखता है उसमें ज़ॉम्बी के काटने के निशान है।
ये तुमने क्या कर दिया मिक्की, बेन चिल्लाना शुरू कर देता है। मिक्की वहीं पर रोना शुरू कर देता है, मुझे किसी भी तरह बचाओ करके रोता हुआ बोलता है। अब बेन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो अपनी पिस्तौल उठाकर मिक्की पर निशाना लगाकर उससे विनती करता है कि मिक्की तुम किसी भी तरह यहाँ से बाहर चले जाओ। बेचारा मिक्की रोते हुए कहता है कि मेरी मदद करो। अब बेन के पास कोई रास्ता नहीं है, कहता है खुश रहने वाले मिक्की को ज़ॉम्बी बनते नहीं देख सकता और उसे शूट करके वहीं जान से मार डालता है। बेन चिल्लाते हुए कहता है कि साथ रहने वाला भी आज बिछड़ गया। अब बेन के साथ कोई नहीं है और बेन बिल्कुल अकेला है, बात करने के लिए भी कोई नहीं है, कार के बाहर भी नहीं जा सकते, और सोचते हुए बैठ जाता है। फिर वो मरे हुए मिक्की की लाश को सॉल ओढ़कर बंद कर देता है। फिर बेन उस वॉकी टॉकी को निकालकर उसके पैर पर शूट करने वाली लड़की से बात करने की कोशिश करता है। एनी, मैं जो बात कर रहा हूँ तुम सुन सकती हो क्या? मुझे पता है जरूर सुन सकती हो। तुम्हें एक बात पता है क्या, मिक्की मर गया। 3 महीने से मेरे साथ ही रहता था और 3 महीने के पहले हम दोनों एक घर में फंस गए थे, और वहाँ से कैसे बचे तुम्हें पता है क्या? कुछ नहीं किया, सिर्फ घर का मेन डोर खोल दिया और सारे ज़ॉम्बी बकरियों की तरह एक साथ घुसने लगे और हम दूसरी तरफ से भाग गए। इतने दिनों से मेरे साथ रहने वाला अब नहीं है, इन सब की वजह सिर्फ तुम हो। मैं आखिरी में एक कोशिश करने वाला हूँ, मैं घर में से जैसे ज़ॉम्बी से बचा वैसे यहाँ से बचने की कोशिश करने वाला हूँ। अगर उस कोशिश में मैं हार गया तो मैं खुद को ही शूट करके मार डालूंगा। अगर मैं इस कार से बाहर निकलकर आ गया तो तेरी मौत मेरे हाथ से ही होगी, बोलकर कार से बाहर निकलने की सारी तैयारी करता है। कार के अंदर शीशे से बंद किए हुए कपड़े को निकालकर ज़ॉम्बी किधर जा रहे हैं करके देखता है और मिक्की के वॉकमैन निकालकर पहन लेता है। गन, बैट और बैग सब ले लेता है। कार के पीछे का दरवाजा खोलता है, कार के अंदर धूप की रोशनी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कट करके दिखाते हैं तो बेन एक पैर से लंगड़ाते हुए वॉकमैन में गाने सुनते हुए बैट के साथ चल रहा है और उसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बी पीछा कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म को 4 लाख के खर्चे में 15 दिन के अंदर बनाया गया है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।